हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है तो इसे माइंड मत करना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो ड्रामा सीरीज़ है गाइस, आउट ऑफ स्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जितना बोलूँ मेरे लिए लगता है उतना ही कम होगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट की बहुत सारी लव स्टोरी कोरियन या चाइनीज़ मैंने देखी है, आप लोगों ने भी, बट ये अब तक की सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज़ मुझे लगी। और टाइम ट्रैवल का जहाँ बात करें तो सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि इसकी स्टोरी में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, रोमांस है और साथ में बहुत ज़्यादा इमोशन, हार्ट टचिंग है। तो चलिए, इस ड्रामा सीरीज़ का नाम है क्यू एंड आई, से मैं एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें एक ऐसी सदी की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही चकाचौंध रोशनी हो रही होती है, और इधर हमारे मेल और फीमेल दोनों मिल रहे होते हैं, लेकिन मिलने से पहले क्या होता है गाइस, वो तो हम लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो एक दूसरे की दुनिया से मिल नहीं सकते। तो चलिए, इनकी स्टार्ट कैसे हुई है स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाएगा दो तरफ, जो कि एक 1962 है और एक हमारा 2012 है। इधर दोनों लोग अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग रेडी हो रहे होते हैं अपने अपनी जगहों पे, और इधर दिखाया जाता है हमारे पास, जो कि हमारा मेल लीड है जिसका नाम है किम बोंग डो, और वो वहाँ का रॉयल ऑफिसर है, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है वहाँ की रानी को, और वहाँ की रानी इस चीज़ से बिल्कुल भी अनजान है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन यहाँ घुसपैठ के घुस जाते हैं और रानी को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वो रानी पे तलवार डालते हैं मारने के लिए, तभी वहाँ पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। वो कोई और नहीं होता, हमारा मेल लीड किम बोंग डोंग होता, और बोलता है कि मैं आपको अपने जीते जी कभी कुछ नहीं होने दूँगा, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा। इधर दिखाया जाता है कि राजा के कुछ मंत्री, जो कि राजा के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं किम बोंग डो जीवित रहे, वो नहीं चाहते हैं कि रानी भी जीवित रहे, वो सब चाहते हैं कि वो सब मार कर बस उस सिंहासन पे जोसेन सुंगकोंज महल का वो खुद राजा बन जाए। और ये सब साजिश होती है ख़ास करके महल के राजा के मंत्री की, और वो मंत्री जानता है कि अगर वो रानी को मारेगा तो किम बोंग डो ज़रूर से बचाने आएगा, जिससे वो दोनों एक साथ मर जाए। लेकिन किम बोंग डो है मेल लीड, तो वो मरने वाला है नहीं, उसे चार कदम उस मंत्री से आगे पता है। तो वो रानी को कहता है कि आपको जान को खतरा है और ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलती है कि मुझे खतरा करने वाला कौन है, तो यहाँ पे कहता है किम बोंग डो की कोई और नहीं राजा है, और राजा अनचाहने में वो आपको मार भी सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में मंत्रियों ने बहुत ज़्यादा ऊटपटांगे बातें भर ली है। लेकिन रानी को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसका वो हस्बैंड होता है, लेकिन वो हस्बैंड होता है बट उसने अपनी ही रानी को उस मंत्री के बहकाने पे उसे महल से निकाल दिया होता है। तभी देखने को मिलेगा हमें एक और लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है जीसा, जो कि एक दासी है, और वो किम बोंग डो को बहुत लाइक करती है बट वो नहीं बताती है। तो किम बोंग डो पता करने निकल जाता है कि आखिर रानी के पीछे कौन हथियारा और किसकी किसकी साजिश है। तो यहाँ पे वो उसे एक चार्म देती है, कहती है इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारी मदद करेगी, और वो उसे लेकर चला जाता है। जैसे ही जंगलों में जाता है, वहाँ फिर से उस पर तीरबाजी स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ से हमला करने लगता है, लेकिन किम बोंग डो भी कम नहीं था, वो भी चिल्ला चिल्ला के सबको हमला करता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और लाइब्रेरी में डाल दिया जाता है। और लाइब्रेरी में उसे मारने के लिए जैसे किया जाता है, तो ऊपर से एक बुक आती है, जिसकी वजह से मंत्री के जो साथी थे वो उस बुक के और जैसे ही तलवार लगाते हैं तो उस बुक से टप टप ब्लड बहने लगती है। और ये चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही थी, यानी किम बोंग डो को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है। इधर हमें प्रेजेंट में चलते हैं, जो कि 2012 का दिखाया जाता है, यानी किसवीं सदी, और हमारी फीमेल लीड जो कि बहुत ज़्यादा चुलबुली और दौड़ती हुई ऑडिशन की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसे रोल मिल जाए, छोटे मोटे ही ड्रामा में सही मिल जाए। तो वो अपने फ्रेंड को कॉल लगा के बोलती है मैं मिस कर गई, ऑडिशन तो 4 बजे था और यहाँ 4 बज चुके हैं और मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बोलती है 4 नहीं, 4 तो अभी तक नहीं बजे, अभी तो 3 ही बजे हैं।
क्या तुमने मेरी घड़ी पहन ली है? यानी कि जो हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम है ही जिन, वो अपनी फ्रेंड का वॉच पहन लेती है जिसके वजह से उसे टाइम समझ नहीं आता, तो उसके पास अभी भी एक घंटा टाइम रहता है ऑडिशन के लिए। तो वो जाती है जल्दी से ड्रेस चेंज करने के लिए किसी कॉर्नर प्लेस में और जल्दी से अपने ड्रेस ओपन करती है, और जैसे ही अपने ड्रेस ओपन कर रही होती है तभी वो देखती नहीं है कि वो कहीं किसी चीज़ के पीछे ड्रेस चेंज कर रही है, और वहाँ से विंडो उठ रहा होता है और यहाँ पे वो मना करती है कि प्लीज़ विंडो को उठाओ मत, लेकिन तब तक उठ जाता है और हमें एक और मेन लीड की एंट्री होती है जो कि सेकंड मेन लीड है, और यहाँ पे हमें ये पता चलता है ये ही जिन का एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है लेकिन वो उसका एक नहीं मानता है। जैसे तैसे ड्रेस वो पहन लेती है और फिर वो बाहर निकलती है, तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम है डोंगमिन, और वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है, कहता है कि तुम वैसे भी बड़ी हॉट लग रही होती है जब तुम ड्रेस में नहीं होती हो, तो कहती है यहाँ पे तुम अपने काम से मतलब रखो। और फिर वो ऑडिशन देने चली जाती है जो कि काफ़ी नर्वस होती है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में एक्स बॉयफ्रेंड वाली बात आ रही होती है, किसी से वो अपने ड्रेस उतार रही थी और वो कम वक्त उसे देख लिया था। तभी एंट्री होती है डोंग कि, और वहाँ पे वो आता है एज CEO, यानी कि वहाँ पे जो शूटिंग चल रही होती है उसका मेल लीड वो वहाँ निभाने वाला होता है, यानी कि राजा का। और ये बात बिल्कुल ही जिनको पसंद नहीं आती कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ काम करे, वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बता रही होती है, उसकी फ्रेंड जो कि बहुत ही अच्छी है, उसकी मैनेजर भी है, जहाँ इसे छोटा मोटा रोल भी नहीं मिल रहा होता है वहाँ ये पूरी कोशिश करती है कि काश वो बन जाए एक एक्ट्रेस, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गाड़ी से बाहर निकल के जा रही होती है, तभी बहुत ज़्यादा हवा की वजह से उसका फ़ोन टर्नर में गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो उसे कॉल आता है डायरेक्टर का, और यहाँ वो टर्नर ही पे अपने कान लगा के बात करती है कि हाँ डायरेक्टर मैं सुन रही हूँ, तो उधर से डायरेक्टर कहते हैं कि तुम सिलेक्ट हो चुकी हो क्यों इन ह्यून की, वो भी मेल हीरोइन के रूप में। और ये चीज़ सुनकर मानो ही जिन तो इतनी पागल हो गई, जहाँ उसे छोटा मोटा रोल मिलने वाला था उसकी लक ने तो उसका साथ ही दे दिया था, और उसे मेन कैरेक्टर क्यों इन ह्यून मिल रहा था। इधर हमें देखने को मिलेगा राजा के मंत्री जो कि बहुत ज़्यादा बनमास है, जो कि राजा को नहीं पता था, वो पता कर रहे थे क्या किम बोंगडो मर गया या फिर वो ज़िंदा है। इधर देखने को मिलेगा किम बोंगडो को होश आता है तो वो एक अलग ही दुनिया में जा चुका होता है, जहाँ वहाँ चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो है कहाँ एग्जैक्ट में। तभी वहाँ फर्स्ट मुलाकात होती है हीरोइन से, यानी ही जिन्स, और ही जिन को लगता है कि वो भी रोल प्ले करने के लिए आया क्योंकि वैसे ही गेटअप में हो रहा था, तो उसे लगा वो भी कोई कैरेक्टर प्ले करेगा। वो पूछता है क्या मैं मर गया या जिंदा है, ये सुन के ही जिन काफ़ी शौक में चली जाती है कि ये कैसा सवाल, तो वो अपना बोलने लगती कि मैंने अभी रोल मिला है क्यों नहीं न्यून का, तो कहता है ये क्या होता है। वो एक दूसरे को देखते सीख साथ एपिसोड एंड होती है।